नमस्कार, मैं देवांशी मोइत्रा। कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल से लेकर टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स तक टालने पड़ गए, लेकिन अब धीरे धीरे खिलाड़ी मैदान की ओर लौटने लगे। बात क्रिकेट की करें तो वेस्टइंडीज की टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां वो मैनचेस्टर में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही। लेकिन इसी दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डॉम सिबले ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे अंपायर को गेंद सैनिटाइज करनी पड़ गई। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से आईसीसी ने थूक लगाकर गेंद चमकाने पर बैन लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डॉम सिबले टेस्ट के चौथे दिन गेंद चमकाने के लिए थूक लगाते पाए गए, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए खेल रोकना पड़ा और अंपायर ने गेंद को सैनिटाइज किया। गेंदबाज सिबले ने अंपायर को बताया कि ये उन्होंने गलती से किया। अगर ऐसी ही गलती सिबले लगातार 3 बार करेंगे तो उनकी टीम को सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। आईसीसी के नए नियम के मुताबिक गेंद पर थूक लगाने वाली गेंदबाजी टीम को ऐसा करने पर 2 बार चेतावनी दी जाएगी, और अगर इसके बाद भी गेंदबाज थूक का इस्तेमाल करता है तो सजा के तौर पर गेंदबाजी टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये रन बल्लेबाजी कर ही टीम के स्कोर में जुड़ जाएंगे।